नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कोतवाली के जलालपुर गांव से बुधवार को अगवा चौथी क्लास के 10 साल के बच्चे रेहान की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस दौरान बच्चे के पिता के मोबाइल पर फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। परिजन गुरुवार को पुलिस की शरण में पहुंचे। यह सक्रिय हुए एएसपी ने कमान संभाली और 3 युवक पूछताछ के लिए उठाए गए। दूसरे गांव के एक शख्स की निशानदेही पर घर से कुछ ही दूरी पर एक खाली पड़े घर के कमरे में शव को दफन किया गया। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। एक हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए मौके पर एएसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। आइए सुनते हैं बच्चे के पिता और श्रीपर्णा गांगुली एसपी फतेहपुर को। तो मैं अपने बच्चे को घर में पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है। तो घर में पूछा तो बोले ट्यूशन गया होगा। जहाँ ट्यूशन गया था मैं वहाँ जाके इंक्वायरी किया तो पता चला दोपहर से तुम्हारा बच्चा दिखा नहीं। तो फिर उसके बाद मैं घर भाग के आया, मैं पूछा बच्चा दिखा नहीं। तो गाँव भर लड़के थे, वो सब ढूंढने में लग गए। और उसके 10 मिनटों के बाद 10-15 मिनट के बाद मेरे पास फ़ोन आया, तुम्हारे बच्चे को हमारे पास है, अगर 5 लाख रुपये तुमने 3 दिन में नहीं इकट्ठा की तो मैं तुम्हारे बच्चों को काट के फेंक दूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवाब है। बच्चे क्या नाम है? रेहान है। गाँव? मेरी सभी, मेरे गांव का नाम जलालपुर है। मेरे सभी लोगों से गुजारिश है मेरी मदद कर। जलालपुर बिनकी एक घटना हुई है जिसमें बच्चे का कल अपहरण किया गया था और उसके बाद माता पिता को फिरौती की का फोन कॉल आया था, परंतु उनके द्वारा कल पुलिस को सूचना नहीं दी गई, विलंब किया गया, जिसके कारण आज जब उन्होंने सूचना दी है हमारी पूरी पुलिस टीम लगी थी उसमें, हमारे बिनकी का पूरा फोर्स, साथ ही में सर्विलांस सब लगे थे। लेकिन और हमने 5 घंटे, लगभग 5-6 घंटे के अंदर हमने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया। दुख का विषय है कि उस बच्चे को उन्होंने कल ही मार दिया था, इसलिए आज उसको हम उसके शव को हमने बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा कायम है और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कहते हैं थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अगर वक्त रहते पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। ये थी फतेहपुर से इरफान काजमी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।